राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंच विधि खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। ट्राइकोडर्मा सुडोनोमास वैम शक्ति जिसे बोलते हैं माइकोराइजा और पीएसबी कल्चर काली चक्र, यहाँ पर ये पाइपलाइन दबवा दी खेत के बीच में, चारों तरफ से इसकी फेंसिंग करवा दी कटीले तारों से, क्योंकि गायों का प्रकोप दिन पर दिन प्रति बढ़ता जा रहा है। और दोनों तरफ खेत के दोनों तरफ नाली थी, तो दोनों नाली ख़त्म करके एक ही पाइपलाइन दबवा दी, इसमें ड्रिप वाला भी दबवा दिया। और इधर है ये गन्ने की नई वैरायटी, इस बार जो तैयार की है वो कोकोपीट में मतलब ट्रे में कम लगाई है, और जो पन्नी है उसमें ज़्यादा लगाई है। और अभी थोड़ी देर पहले ये पन्नी उतारी है इसकी यहाँ से। जमाव बढ़िया है, और एक गन्ने में से देखो अभी से ही ये ड्रिलिंग भी शुरू हो गई। वैरायटी तो आप समझ गए होंगे कौन सी है, देखो तीन तीन चार चार गन्ने, इसमें भी ऐसे ही है, तीन गन्ने अभी सही हो गए, तीन पौधे। और थोड़ी सी है इधर ट्रे में भी तैयार की है, इसकी पन्नी नहीं उतारी क्योंकि ये थोड़ा सा लेट लगा है, इसमें कुछ टाइम बाद उतार देंगे। जमाव तो इसमें भी आ गया, सभी तरह के प्रैक्टिकल हो गए, पॉलीथीन ट्रे, ट्रे के ऊपर पन्नी, और ट्रे के ऊपर खाली ट्रे रखने के बाद ये बोरी वाले कट्टे। तो देखते हैं किस में ज़्यादा जमाव आता है, जल्दी जमाव आता है। और इधर है ये जो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा सुडोनोमास वैम शक्ति जिसे बोलते हैं माइकोराइजा और पीएसबी कल्चर काली चक्र, जो मिट्टी के अंदर डीमक सुंडी के लिए काम करता है काली चक्र, मेटराइजम भी होता है, मेटराइजम साल्ट है इसका, पोटास एक्टिव जिसके अंदर पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, तो उन सभी को मिलाकर आयरन सल्फर इन सभी के बैक्टीरिया इसमें गोबर की खाद में मिलाकर ढक के रख दिया आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि इसमें नमी बनी रहेगी। और इसे लगभग तीन चार दिन हो गए, और जब खेत में इसको डालेंगे तो आखिरी जुताई पर इसको डाल के और जुताई कर देंगे, तो हमारी मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक फफूंदी हैं उनको वो ख़त्म होंगी, और जो कीट हैं दीमक सुंडी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और इसको पिछले लगभग 2008 से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आलू में महामारी आई थी 2006 में, तो हमने ये IPL के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, तो उनमें जो है आलू ख़त्म हो गया था, आलू का लांगा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद फिर से उसमें फुटाव आ गया था। तो जो इनके प्रोडक्ट हैं वो विश्वसनीय हैं, 2008 से इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, और मिट्टी के अंदर कहीं पर भी दीमक सुंडी जो वाइट ग्रब होती है वो नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक बार तो अब जैसे आलू की बुआई होगी, ये जो इधर खेत हैं पलेवा हुआ हुआ है इनका, इनमें सब में आलू की बुआई होगी, एक बार तो अब पड़ गया आलू की बुआई में, और एक बार जब गन्ना बुआई होगी एक बार फिर दोबारा से अपनी जो मिट्टी है उसको उपचारित करेंगे ट्राइकोडर्मा सुडोनोमास और आपका यही काली चक्र। अब नाली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपना जो ड्रिप से ही
आलू के ऊपर पानी देंगे तो उसमें हमारा उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि कोई भी फसल हो, कोई भी, सबको नमी चाहिए। आप एकदम से ज़्यादा पानी भर दोगे तो वो पानी मतलब जड़ों के पास तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, और उसकी कमी से कुछ दिन तक फसल की बढ़वार रुक जाती है। तो केवल नमी में ही पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं।